स्कूलें, विकास, बिजली, पानी तो सरकार कर ही रही है। इसके साथ साथ पैदा होने के पहले 12,000 रुपया पहुंच जाते हैं। किसान सम्मान निधि के रूप में 1,000 रुपया भेजते हैं कि नहीं, आपके खाते में 1,000 आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, कौन भेज रहा हो। गांव हमारी सांसों में बसते हैं और ग्रामवासी हमारे दिल में गोविंद सिंह राजपूत। हम गांवों को कभी भूल नहीं सकते हैं और गांव के साथ कभी भेदभाव ही नहीं किया। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने किया 10 गांवों में सघन जनसंपर्क। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। किसी भी देश और प्रदेश को विकसित बनाने के लिए जरूरी है गांव का विकास। यदि गांव में पक्की सड़क, सिंचाई के संसाधन, बिजली और स्कूल होगी तो किसान समृद्ध होंगे, साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा माहौल मिलेगा, उसकी प्रगति होगी। गांव हमारी सांसों में बसते हैं और ग्रामवासी हमारे दिल में। भाजपा सरकार और मैंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के बड़े कस्बों में विकास के अनेक कार्य कराए हैं, वही गाँवों में पक्की सड़कों का निर्माण भी कराया है। नल जल योजना में अब घर घर में पानी पहुंच रहा है। लाडली बहना योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है तो वही किसानों को भी सम्मान भी हो रहा है। यह बात सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने कही। गोविंद सिंह राजपूत बुधवार को क्षेत्र के ग्राम चौकी मनकपुर, सिखपुर, मनसिंह, जामुंडाना, पीकन केड़ी, सोठिया, काटी घाटी, सिमरा मेड़ा, भालुना, मानागढ़, बिलासपुर में जनसंपर्क कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो गांवों को भूल जाऊं। नगर और गांवों में सभी एक समान मानकर प्रगति की योजना बनाता हूं। जनसंपर्क में सभी गांवों में लोगों को गोविंद सिंह राजपूत को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और चुनाव में जीत का आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में किसी भी खाते में एक नया पैसा नहीं डाला, जबकि भाजपा सरकार ने अपनी लाडली बहना, किसान भाइयों एवं सम्मान किया। मैंने ठाना है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव का विकास कार्य करूंगा। सुर्खी विधानसभा में मेरे हृदय में बसते हैं गांव और किसानों की जनसमृद्धि और छोटे बड़े जलाशय बांध बनवाकर हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचित करवाया है। जेरा सिंचाई परियोजना का भी काम चल रहा है, इसके बनते ही किसानों को साल भर भरपूर पानी मिलेगा। भाजपा उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि गांव में पीने की पानी की बड़ी समस्या थी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने इस समस्या को हल कर दिया है। गांव गांव में टंकियां बन गई, इन टंकियों में अब घर घर टोटी भी पानी पहुंच रहा है। कांग्रेस के झूठे वादे कर जनता को गुमराह करती है, आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। प्रदेश की भाजपा सरकार बनेगी इसलिए आप अपना अमूल वोट खराब ना करें। ग्राम चौकी पहुंचे बड़ी संख्या में महिलाओं ने फूल बरसाकर और पुष्प के गुच्छे भेंट कर दिया है। इस दौरान राम कुमार, पप्पू तिवारी, राकेश राज, जगदीश राज, सूरज, हरि नारायण तिवारी, प्रभा अहिरवार, राजकुमारी, कविता सुलेचना, रामवादा यादव, रामदयाल पप्पू, रामदयाल चंद्रेश, राजकुमार बारेलाल, प्रतिमा धीरज गोपाल, राजा राम पटेल, लक्ष्मी यादव, देवराज देवेंद्र यादव, अनेक ग्रामवासी, भाजपा कार्यकर्ता, ग्रामवासी युवा मौजूद रहे हैं। सुर्खी से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। एक व्यक्ति नहीं है जो भाजपा की सरकार का लाभ नहीं ले रहा। रोड, पुल, पुलिया, स्कूल, विकास, बिजली, पानी तो सरकार कर ही रही है। इसके साथ साथ आप सबके लिए व्यक्तिगत माने खुद के लिए भी लाभ पहुंचा रही है। ये वो सरकार है जो जीवन से लेके मृत्यु तक आपके लिए कुछ ना कुछ करती है। बच्ची जब पैदा होती है तो पैदा होने के पहले 12,000 रुपया पहुंच जाते हैं। बच्ची जब बड़ी होती है, स्कूल जाती है तो साइकिलें फ्री, ये कौन दे रहा है? भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह चौहान। किताबें स्कूल में फ्री, आगे बढ़ो, शादी की टाइम होती है तो शादी के लिए 50-55,000 रुपया कन्यादान योजना का सरकार फ्री देती है। तीर्थ यात्रा करना है तो तीर्थ यात्रा भाजपा की सरकार फ्री कराती है। आप बीमार पड़ गए तो 5,00,000 रुपया तक की दवाई आयुष्मान कार्ड के द्वारा भाजपा की सरकार फ्री कराती है। बजार में जाओ तो गेहूं 30 रुपया किलो है,
लेकिन ये राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान सबके लिए फ्री भिजवाते, आज सबको राशन फ्री आता है। अब रहने के लिए सबको कुटी फ्री, प्रधानमंत्री आवास कुटी जिसको बोलते हो आप लोग, सबको मिल रही। कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, भाजपा की सरकार, सारे किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान जी हर महीना किसान सम्मान निधि के रूप में 1,000 रुपया भेजते हैं कि नहीं? आपके खाते में 1,000 आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन भेज रहा हूँ? भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान। महिलाएं बैठी है लाडली बहना के रूप में हर महिला के लिए शिवराज सिंह चौहान भेज रहे हैं 1,250 रुपया, 1,250। तो ये सब कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और गांव गांव में नल लग के ट्रॉली लगकर पानी जो आ रहा है वो पैसा मंजूर हमने करवाया, तो हम आपकी रोड बनवा रहे, स्कूल बनवा रहे, पानी की समस्या को समाधान कर रहे। इसलिए सबसे निवेदन है कि 17 तारीख को बिल्कुल कोले भर दो, सारी बोर्ड कमल के फूल में जाए, ये निवेदन करने के लिए हम आए हैं। और सब लोग कमल के फूल में वोट दे रहे हो तो दोनों हाथ उठा के आ बड़ा महिला के भारत माता की, भारत माता की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।